अगर आपने स्लम डंग मिलियनर मूवी देखा होगा तो आपको जमाल मलिक का कैरेक्टर याद ही होगा, जिस कैरेक्टर को देव पटेल ने निभाया था। स्लम डंग मिलियनर एक हॉलीवुड फिल्म थी। इसकी कहानी पूरी तरह से इंडिया में बेस्ड थी। ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैं इस फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देव पटेल फिर से अपनी एक मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मंकी मैन। अब फिल्म का नाम मंकी मैन क्यों है, इस चीज को आप फिल्म का ट्रेलर देखकर समझ सकते हो, जहाँ ट्रेलर के कई सीन में फिल्म के मेन कैरेक्टर को मंकी के नकाब में देखा जाता है और ट्रेलर में भी भगवान हनुमान के कई दृश्य दिखाए जाते हैं। लेकिन ये सारे चीजें उसी नकाब के पीछे छुपे इंसान के साथ जुड़ती है, जहाँ उसकी माँ के साथ जुड़ी एक इमोशन और किसी के लिए मन में नफरत और बदले की आग जल रही है, जिन लोगों के कारण उसकी माँ उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब इस ट्रेलर के हर एक सीन को फील कर सकते हो। देव पटेल का हर एक सीन आपको एक अलग ही फील देगा और साथ में राजनीतिक से लेकर रेसलिंग फाइटिंग सब कुछ दिखेगा। सबसे जबरदस्त चीज तो ये है, जितने भी फाइट सीन इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो एकदम लाजवाब हैं, जिसे देखकर एकदम रियल फील होता है, जैसे हमने जॉन विक और मिशन इम्पॉसिबल जैसे फिल्मों में देखा है। और इस फिल्म की पूरी कहानी मुंबई में बेस्ड है, लेकिन ये फिल्म बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड है, जिसे देव पटेल ने ही डायरेक्ट किया है। वैसे देव पटेल पहली बार किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम देव पटेल की बात करें तो ये एक ब्रिटिश एक्टर हैं और अब उनका नाम एक जबरदस्त एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर के भी लिस्ट में शामिल हो चुका है। देव पटेल स्लम डंग मिलियनर, होटल मुंबई, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी और वेडिंग गेस्ट जैसे फिल्मों में काम किया है। अगर मंकी मैन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग 2018 में शुरू हो चुकी थी और फिल्म 2021 में बनकर तैयार हो गई, जिसे नेटफ्लिक्स द्वारा खरीद लिया गया। लेकिन जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जॉर्डन पील ने इस फिल्म को देखा और उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म को उन्होंने नेटफ्लिक्स से खरीद लिया और इस फिल्म को OTT पर रिलीज करने की बजाय उन्होंने इसे सिनेमा घर में रिलीज करना अच्छा समझा, जो कि मुझे लगता है यह उनका एक सही डिसीजन था क्योंकि ये फिल्म सिनेमा के लिए ही है। अब ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी। मंकी मैन के फाइट सीन्स की मैं फिर से बात करूंगा क्योंकि ये गजब है और इस फिल्म के सारे फाइट सीन को कोरियोग्राफ किया है इब्राहिम चैब ने, जिन्होंने जैकी चैन की ड्रैगन ब्लेड, वैनगार्ड और निंजा शैडो ऑफ ए टीयर जैसी फिल्मों में एक्टर और फाइटिंग कोरियोग्राफी के रूप में काम किया है और इनका ये जबरदस्त काम हमें मंकी मैन में भी देखने को मिलेगा। वैसे मंकी मैन में देव पटेल के अलावा सुविता दिलीपाला भी दिखेंगी, जिनकी हॉलीवुड में पहली डेब्यू मूवी है, और सिकंदर खेर, मकरंद देश पांडे, अश्विनी केलसकर, विपिन शर्मा और पीटोप्स त्रिपाठी जैसे भी कलाकार दिखेंगे। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय।